गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में हम लोग चलने वाले हैं गोरखपुर, गोरखपुर के गणेश जी दिखाएंगे। उसके बाद आपको सदर के गणेश जी दिखाएंगे जो कि हमें पिछले ब्लॉग में आए थे, लेकिन कुछ गणेश जी की मूर्ति जो छूट गई थी। उसके बाद आपको कवर करने के बाद सीधे चलेंगे पैंटी नाका में, तीन मूर्ति रखी वहाँ की, आपको तीन चार मूर्ति दिखाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे सिविल लाइन, सिविल लाइन के गणेश जी आपको दिखाएंगे। उसके बाद सीधा चलेंगे रांझी, रांझी के। तो दोस्तों देख सकते हो सामने गणेश जी की प्रतिमा है जो कि पहाड़ पर बैठे, पीछे बजरंग बली है और काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनी गई है। ये देख सकते हो आप सामने दोस्तों। एक मूर्ति ये है जो शंकर जी का रूप है और बाजू में गणेश जी शंकर जी चिलम पी रहे हैं। देख सकते हो काफी सुंदर मूर्ति है। और एक प्रतिमा ये है सामने दोस्तों, ये गोरखपुर में रखी गई है। तो दोस्तों अपन फाइनली सदर पहुंच चुके हैं, पहले स्टार्ट कर रहे हैं जहां अपनी कल का जो ब्लॉग छूट गया वहां से अपन कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हो लाइटिंग, काफ़ी सुंदर लाइटिंग बन दी है और गजब की मूर्ति है जो कि उन लोगों ने नीचे से पब्लिक का जानने का बनाया और ऊपर बहुत सुंदर मूर्ति। दोस्तों देख सकते हो कितनी शानदार मूर्ति जो कि हाथी के ऊपर गणेश जी बैठे हैं, काफ़ी सुंदर प्रतिमाएं बनी हैं। देख सकते हो काफ़ी सुंदर मूर्ति लगी मेरे को तो। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पंडाल है जो कि सिविल लाइन में है, साईं मंदिर के बाजू में रखी गई है मूर्ति। काफ़ी शानदार इन्हें डेकोरेशन किया, उतनी शानदार मूर्ति प्लस इनका उतना ही अच्छा डेकोरेशन, आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे क्या शानदार मूर्ति है। देख सकते हो फाइनली सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देख सकते हो सामने गजब का इन्हें फ्लावर से जो डेकोरेशन किया है, देख सकते आप। दोस्तों ये मूर्ति साइंस ग्राउंड के सामने जस्ट आप जैसे ही पहुंचोगे आपको चौगड्डे में लाइट दिख जाएगी और आपको राइट साइड जाना है। देख सकते हो जैसे कि हम लोग जो जा रहे हैं आपको सीधे सामने जाना है और देख सकते हो काफ़ी सुंदर लाइटिंग है। दोस्तों देख सकते हो कितनी शानदार मूर्ति, इनके गणपति कान देखिए कितने बड़े कान है और काफ़ी सुंदर पैटर्न में मूर्ति बनी थी, देख सकते हो आप। तो दोस्तों अपन फाइनली निकल चुके हैं गोकलपुर, होते हुए गोकलपुर की दो तीन मूर्ति बनाएंगे। उसके बाद बीकल के सामने ही रोड से निकलते हुए अपन सीधा रांझी चलेंगे। रांझी में जितनी मूर्ति रखी होगी आपको सब इस ब्लॉक में जरूर दिखाएंगे, एंड तक जरूर बने रहना।
तो दोस्तों देख सकते हैं अपन फाइनली गोकुलपुर के सामने एक ग्राउंड है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा मेला लगा था, सोचा आप लोग को भी दिखाया जाए। और सामने एक छोटे से बहुत प्यारी मूर्ति रखी है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छे अच्छे लाइटिंग और फोटो से डेकोरेशन। चलिए अपन आगे बढ़ते देखते हैं क्या मिलता है। ये मूर्ति रांझी के अंदर बब्बा सीस वाली लाइन में सीधे अंदर रखी है, काफ़ी अच्छी मूर्ति। यहाँ तीन मूर्ति रखी इस लाइन में, आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हो दोस्तों एक चाचा मिले थे, इनकी गाड़ी काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी लाइट लगी, तो सोचा हमने स्किन की भी वीडियो बना के डाला जाए। ये हमको पैंटी नाका मिले थे जब हम लोग रिटर्न घर के लिए हो रहे थे, तभी ये मिले थे हमको चाचा, इनकी काफ़ी सुंदर गाड़ी लगी, देख सकते हो आप सामने। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल।